अभिषेक, और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक सिस्टर्न जो फ्लश होता है या सिस्टर्न, इसको आप अपने टॉयलेट में फिक्स कर सकते हैं। काफ़ी इजी है फिट करना, और मैं कंप्लीट मेथड आपको बताऊंगा शुरू से अंत तक कैसे करना है इसे। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपके टॉयलेट में ऑलरेडी एक सिस्टर्न है और आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वही मॉडल का खरीदिए जो ऑलरेडी आपके टॉयलेट में लगा है, क्योंकि इससे आपका काफ़ी मेहनत बच जाता है। जो क्लैंप का पोजीशन है, जो नीचे का जो पाइप डालना है, ये आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर सेम मॉडल का रहेगा तो आप सिर्फ ऊपर का ये चेंज करके और डायरेक्ट डाल सकते हैं। आपको फिर से क्लैंप डालना या पाइप डालने का मेहनत आपका बच जाएगा। तो ऑलरेडी है आपके पास तो सेम मॉडल खरीदिए। जैसे कि मेरे टॉयलेट में सेम मॉडल का था, तो मैं सेम मॉडल का लाऊं, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है क्लैंप पोजीशन। तो फिर भी मुझे ये जो पाइप डालना है, ये सब डालना है, ये सब का मतलब काम नहीं करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ आप इसके अंदर क्या क्या है। ये कार्टन है, कार्टन पे आप देखेंगे कि ये पोजीशन दिया हुआ है, ब्रैकेट का पोजीशन जहाँ पे रहेगा ये आपका किया हुआ, तो इसे हम काट लेंगे तो इजी होगा। मतलब अगर जो जहाँ पे स्क्रूज डालेंगे, मैं ये बाद में बताऊंगा आपको कि जहाँ पे स्क्रू डालना है उसे इसके कैसे यूज करके उसे हम लोग स्क्रू डाल सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये मेन बॉक्स हो गया, इसके अंदर ये यहाँ पे लगेगा। और ये जो पाइप है, जो आउटपुट पाइप है, ये एक्चुअली आता है वेस्टर्न टॉयलेट के लिए, वेस्टर्न टॉयलेट के स्टाइल का है ये। लेकिन अगर आपके टॉयलेट में इंडियन स्टाइल है, आपका टॉयलेट इंडियन स्टाइल का है, तो ये पाइप आपको मतलब वो सीधा आता है, लंबा आता है, तो वो आपको खरीदना पड़ेगा, वो किसी में भी आता नहीं है। तो ओके, तो इसे असेंबल किया जाए। काफी इजी है असेंबल, इसमें एक रिंच भी दिया हुआ है। सबसे पहले इसे निकाल लीजिए, यहाँ पे एक होल होगा, आप इसे डाल दीजिए। काफी इजी है, विद इन 5 मिनट्स में आप इसे असेंबल कर सकते हैं। कोई बड़ा साइंस नहीं है इसमें। ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, ये इसे टाइट कर लीजिए, ये अरेंज दिया हुआ ये वाला। अगर इसे टाइट नहीं करेंगे तो यहाँ पे से पानी आपका लीक करेगा, तो इसे टाइट कर लीजिए। उसके बाद आ गया फ्लोट, फ्लोट हम फिक्स करेंगे।
ये क्या है, इसमें भी आपका मेथड्स दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको सेट करना है, क्या करना है। तो अगर कहीं कंफ्यूजन हो आपको तो इससे भी आप रेफर कर सकते हैं। ये आपका फ्लोट हो गया। जो सॉरी, ये आपका फ्लोट हो गया, और ये हैंडल है ऑन ऑफ करने के लिए, तो इसे आप सेट कर सकते हैं इस तरह से। ये हैंडल हो गया आपका ऑपरेटिंग हैंडल। यहाँ भी आपका ये जो स्पैनर दिया हुआ है, ये आपका काम आएगा इसको टाइट करने के लिए। इसमें डाल के आप इसे इस तरह से लॉक कर सकते हैं। काफी इजी है। और ये जो आपका फ्लोट जो लगेगा, तो इसमें क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके टॉयलेट में किस तरह का कनेक्शन है। मीन्स की जो पाइप जो आ रहा है वो लेफ्ट साइड से है या राइट साइड से है। तो मेरे टॉयलेट में जो कनेक्शन है, जहां से पानी जाएगा इसके अंदर सिस्टर्न में, वो है राइट साइड से। तो मैं फ्लोट यहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पाइप है इसमें सेट होगा। और ये साइड में देखिए, दोनों साइड में होल दिया हुआ है, एक यहाँ भी दिया हुआ होल और एक यहाँ भी दिया हुआ होल। तो जिस साइड का मतलब जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप ये जो एक्स्ट्रा है इसको आप बस इस तरह से प्रेस कर सकते हैं इस तरह से, और फ्लोट यहाँ पे हम जोड़ेंगे। और यहाँ पे एक चीज आप देखना चाहिए, ये जो फ्लोट का एक यहाँ पे ये बना हुआ है, मतलब स्टॉपर है यहाँ पे, जैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पानी कम चाहिए तो इसको एडजस्ट करिएगा, तो पहले ही बंद हो जाएगा, फ्लोट पूरा नहीं भरेगा। तो ये इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यहाँ पे एडजस्टेबल है। और यहाँ पे फ्लोट का ये पाइप लग जाएगा इस तरह से। सो खोल लीजिए, वाशर को बाहर रहने दीजिए। काफी इजी है। इस तरह से टाइट कर दीजिए। इसको टाइट कर लीजिए। आपका ये जो स्पैनर दिया हुआ है आपका प्लास्टिक का, ये आपका बहुत काम आएगा। टाइट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से पानी आपका लीक करने का चांस रहेगा। और ये जो एडजस्टमेंट आपको बताया, ये जब आपका पानी इसमें आएगा तो आप उसे इसे चेंज कर सकते हैं, इसे एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे करके, जितना आपको पानी चाहिए इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं इसको ऐसे करके।
और ये आपका टाइट हो गया। तो ये इस तरह से हो गया। अब नीचे जो ये पाइप रहेगा, इसमें एक वाशर दिया होगा, इसमें जो वाशर दिया हुआ है, स्पैनर का काम हो गया, ये इस तरह से जाएगा। और इसमें ये जो दिया हुआ है इस तरह से आएगा और ये यहाँ पे फिट हो जाएगा पूरा टाइटली अंदर तक। और फिर ये जो कैप है ये इस तरह से आकर के इसमें सेट हो जाएगा इस तरह से। और ये जो है, ये पोर्शन जो सेकेंड पोर्शन है, ये इस तरह से सेट होगा। और ये जो आपका जो टॉयलेट का बेसिन है उसमें जाएगा ये। अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जो सिस्टर्न है तो ये पोर्शन आपको यूज करने का जरूरत नहीं हो, क्योंकि जो पाइप है ऑलरेडी वही आपको काम में आ जाएगा। सिर्फ आप ये वाशर और इसको, हाँ इसका भी काम नहीं आएगा, सिर्फ आप ये वाशर यूज कर सकते हैं, कैप भी वही आएगा। मैं बताऊंगा जो अगर ऑलरेडी आपका है उसको आप कैसे यूज करेंगे इस तरह से। और ये आपका सपोर्ट के लिए हो गया, मतलब तो आपको बेंड नहीं करने देगा ये। पानी जब आएगा तो ये मतलब इसको होल्ड करके रखेगा, इस तरह से फैलेगा नहीं ये। तो वही है, इस तरह से आप इसको लगा दीजिए, ग्रुप्स बना हुआ है। और ये आएगा इस तरह से, और ये क्लैंप हो गया। क्लैंप आपका यहाँ पे स्क्रूज के मदद से यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं इसको टॉयलेट में, इस तरह से रहेगा। और ये यहाँ पे इस तरह से सेट हो जाएगा इस तरह से। तो मैं बता रहा था कि क्लैंप का पोजीशन कैसे, वो कार्टून पे जो दिया हुआ उसे मैप से आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं अब बताऊंगा। इसको आप फर्स्ट कट कर लीजिए, इसको फर्स्ट आप कट कर लीजिए, कट का मार्क दिया हुआ है। ये देखिए आपका पोजीशन जो है, ये जो आपका पोजीशन है ब्रैकेट का पोजीशन, ये आपका दिया हुआ है कि कहाँ आपको होल करना है और कहाँ आपको क्लैंप। और ये सिस्टम का सेंटर पोजीशन है, सेंटर सेंटर पोजीशन ये है कि जो आपका पाइप जो जाएगा, जो देखिए सेंटर यहाँ पे जो पाइप है वो सेंटर में रहेगा। तो आपको उसी हिसाब से पाइप फिट करना पड़ेगा अगर नया सिस्टम लगा रहे हैं तो यहाँ पे है। और अगर ऑलरेडी है तो ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पाइप इस सेंटर में आ रहा है और जो दो होल्स है उसी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। मतलब अगर पाइप ऑलरेडी आपका है तो यहां से आप सेंटर रखिएगा और यहां पे दो होल्स कीजिएगा, तो इस तरह से आ जाएगा आपका। और ये दोनों मार्क आप कर दीजिएगा वॉल पे, और दोनों होल करना है आपको इस तरह से, यहाँ और यहाँ। अगर सपोज ये किसी कंपनी में नहीं आता है, इस तरह का नहीं आता है, तो आप वो भी बहुत ईजी है, वो बनाना काफी इजी है। जस्ट सिस्टर्न के पीछे आप रखिए कोई भी एक छोटा सा, इसी तरह कट कर लीजिए और ऐसे ही रखिए। सपोज नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो आप जैसे इसको रखिए यहाँ पे और खुद से आप पोजीशन बना सकते हैं, आपको खुद से पता चल जाएगा इसका जो ये जो है सिस्टम, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसके सेंटर में एक होल डाल दीजिए। ओके, सेम इसी लेवल में एक यहाँ पे होल डाल दीजिए, तो आपको सेंटर खुद से पता चल जाएगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो ऐसे रहता है, और इसको ऐसे डाल करके जो पोजीशन है वहां पे होल कीजिए तो हो जाएगा। तो